देख रहे कि सरकारी शेयरों में एक्शन तो है, लेकिन आप थोड़े से ना सीमित हो रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी तेजी नहीं आ रही है। एनटीपीसी पर जरा व्यू चाहेंगे आपसे विवेक जी। 350 के आसपास का भाव है, आप कितनी तेजी देख रहे हैं? और पावर स्टॉक्स पर मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब फिर से फ्लेवर बनने वाले हैं पावर स्टॉक्स। बस कुछ ही समय की बात है अब। देखिए, हो सकता है कि स्टॉक्स थोड़ा सा रेंज में रहे जुलाई 5 तक। अब जुलाई 5 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जुलाई 5 को एक फुल फ्लेश्ड बजट आएगा अगली सरकार बनने के बाद, और जो इंफ्रा पे पुश है सरकार का और जो पावर पे पुश है, ये मेरे हिसाब से यहाँ से ऐसे ही जारी रहने वाला है। और एक और चीज, जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहा है पावर सेक्टर में, देखिए अगले 2 या 3 साल के अंदर करीबन 5 करोड़ मीटर, जो पावर मीटर्स होते हैं, ये देश में चेंज होंगे। मतलब जितनी चोरी होती थी पावर की, वो और कम होगी और इन कंपनीज को फायदा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगले 10 साल के अंदर जो पावर की खपत है देश में, ये यहाँ से आपको डबल होते हुए दिखेगी, मिनिमम मिनिमम डबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मतलब पंडोरास बॉक्स समझ लीजिए आप, कि काफी कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो बहुत बुलिश हूँ पावर सेक्टर पे। कुछ कुछ कंपनी ज्यादा बेनिफिट करेगी, कुछ ठीक ठाक अभी वैल्यूएशन ऑलरेडी कॉस्टली लग रहा है, लेकिन एनटीपीसी उसमें एक बेनिफिट करने वाली कंपनी है। पर इन्होंने जियो फाइनेंस का स्टॉक लिया हुआ है, मौजूदा भाव देखें तो 281 पर है, तो हल्का मुनाफा तो इन्हें हो रहा है। बट आशीष जी, कैसी लग रही है आपको कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? हल्के मुनाफे में है, अभी और समय देना हो चाहिए इन्हें? मेरे मानने से इस स्टॉक में अभी भी जो मोमेंटम है, वो इस स्टॉक को बिल्कुल जल्दी ही 300 रुपए के पार पहुंचाने में सक्षम, क्योंकि जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्रुप कंपनीज का स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जियो फाइनेंशियल भी आगे जाके आउट परफॉर्म करता दिखाई देगा। तो इस स्टॉक को भी आप बाय कर सकते हैं, यदि आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो मेरा सलाह होल्ड करने की रहेगी, और 2024 के एंड तक जो हम लोगों का लक्ष्य है करीब 350 रुपए के ऊपर का है। ठीक है, तो 300 के ऊपर, इनफैक्ट 350 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। आपको अभी भी मुनाफा हो रहा है, लेकिन आप बने रहिए और तेजी के लिए स्टॉक में। हिमन जी ने सवाल भेजा है, महाराष्ट्र बैंक पर 1200 शेयर्स 6750 के लेवल्स पर इन्होंने महाराष्ट्र बैंक लिया हुआ है, और इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे आ चुका है। बट राहुल जी, हमने देखा कि हाल फिलहाल में सरकारी बैंकों में शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन इनकी खरीद थोड़ी ऊपर के लेवल्स की लग रही है, और शेयरों की संख्या भी काफी ज्यादा है, 1200 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। रणनीति सही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, या फिर थोड़ा बदलाव करने की इन्हें सलाह देंगे? जनरली पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एज अ होल आप नोटिस करेंगे इतना स्टेलर रन अप हुआ है उनका कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही हेल्दी साइन है। कुछ इनकरेक्ट या कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता है अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। वही हो रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, या इवन बेटर मोमेंटम पीएनबी में उनको मिलेगा। बट अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मैं 59 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखने को कहूंगा और एग्जिट कर देने को कहूंगा। तो उनका नजरिया के ऊपर उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा।